हंसो। गॉड से बन गए कोई। चढ़ा लुफ्त लुफ्त। मेरी उंगली तोड़ दी है। पतंग ऐसे कौन उड़ाता है? कुछ लड़कियां तो पिंक कलर से इतनी ऑब्सेस्ड होती हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाइंग काइट्स। ये देखिए, काइट्स फ्लाई नहीं हो रहा है स्काई में, क्योंकि यहाँ पे हो रही है बारिश और मौसम बहुत 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 ज़्यादा मौसम हो रहा है। आज हम लोग सो के उठने में ना लेट हो गए हैं। टाइम हो रहा है 11:30 और ये देखिए मौसम, वाओ वाओ वाओ। आज ना पूरी सुबह से ही, 4 बजे सुबह से ही बारिश हो रही है दिल्ली में। तो ये देखिए एलोवेरा का पौधा छोटा सा है, कितना ग्रीनरी सा लग रहा है यहाँ पे। आइए देखते हैं अनुपम क्या करते हैं। कुछ लंच बना रहे हैं। आइए पूछते हैं क्या कर रहे हैं ये यहाँ पे। क्या बन रहा है? आलू के पराठे। इतनी लेट बन रहा है पराठा? अरे क्या करूँ यार, काम धंधा करता नहीं हूँ, भूख लगती नहीं मुझे। दूसरों को तो लगती है, उनके लिए तो बना दिया करो। काम नहीं करता आजकल। नहीं, दूसरों को भूख तो लगती है, काम करे ना करे। मसाले तो सारे डल चुके हैं, बट स्पाइस कैसे आएगा बिना हरी मिर्च के? डालो जी, डालो हरी मिर्च। तो ये जी बन चुका है पराठा। ना बहुत ही सॉफ्ट बना था आज, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, आप देख सकते हैं। और खाने में यम्मी था, यम्मी यम्मी यम्मी। मौसम तो ऑसम है, और ऐसे में मेरा मन कर रहा है कि आपको ना थोड़ी बहुत जोक सुनाऊँ मैं। तो आप रेडी है मेरा जोक सुनने के लिए? प्लीज़ बर्दाश्त कर लेना गाइस। मैरिज ब्यूरो वाले लड़की के पास आके कहते हैं कि मैडम एक लड़का है, 5'11" हाइट होगी, MBA है, बहुत अच्छा कमाता है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छी है, तो रिश्ते की बात चलाऊं, पर एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा लड़का ना काला है। इस पे लड़की कहती है, भाई साहब यही क्वालिटी थोड़े सफ़ेद लड़के में दिखाइए ना। हंसी नहीं आई आपको ना, पता है मुझे लड़कियों पे जोक था ना। चलो दूसरा एक और जोक लड़कियों पे सुनाती हूँ। हाँ प्लीज हंस देना प्लीज। कुछ लड़कियाँ तो पिंक कलर के पीछे इतनी पागल होती है कि अपने पिंक गाल करने के लिए मम्मी के थप्पड़ खाती है। नहीं आई हंसी? चलो हंसो। एक और जोक। हाँ हंसना जरूर, ठीक है। गांधी गांधी सब करे, गांधी होए न कोई, गाल पे जब थप्पड़ पड़े गॉड से बन गए कोई। कुछ भी, मैंने फेक हंसी नहीं बोली थी, मैं जोक भूल गई। चढ़ा इन लोगों को मैंने अपना जोक सुनाने के लिए, क्योंकि मैं अकेली जोक सुना रही थी ना, तो हंसी तो आ रही थी बट मुझे ही आ रही थी, तो मैंने सोचा इन लोगों की कंपनी ले लेती हूँ मैं। चढ़ा ये लोग आए, मेरा जोक अच्छा हो बुरा हो, ये लोग खुद ही अपने अपने जोक नहीं लग रहे। मेरा जोक फेल हो गया इन लोगों के सामने। सी व्हाट इज दिस अनुपम, शट अप। वो पहले क्या होता था, जब कॉमेडी सीरियल्स 90s में, 98 में, अराउंड 2000 के टाइम में जब आता था ना, तो जैसे उसमें कौन हंसते थे, ऑडियंस पीछे से वो वाला साउंड था। ये हमने इनमें दे दी है, आप लोग ले लीजिए और मुफ्त मजे उठाइए। लुफ्त लुफ्त नॉट मुफ्त, लुफ्त उठाइए। मुफ्त में लुफ्त, मुफ्त में लुफ्त। वाह वाह पूजा, क्या बात कही तूने। मेरे भाई और बहनों, मेरी उंगली तोड़ दी है, मेरी उंगली दर्द कर रही, एक लात मारा है इसने, मेरी उंगली तोड़ दी, अब ये टूटेगा। आपको लगता है कि मैं लात मार के उंगली तोड़ सकती हूँ? ये आदमी ना बाल के साथ साथ जुबान भी सफेद, झूठ भी सफेद बोलता है, बाल के साथ साथ ना जुबान तो, भी इसकी सफेद झूठ है। हाँ जी, हाँ जी, पागल लग रहे हो मुझे तो। हाँ जी, कटोरा पूजा, कटोरा लेके आ जल्दी यार। हाँ जी, कटोरा लेके आ बेटा। दे भाई, दे दे भाई, दे दे, हेलो दे दे, हमें दे दे। गाइस फनी फनी सीन हो रहा है एक्चुअली ना, बालकनी में बैठे हैं, नीचे कुरियर बॉय आया हुआ है, थोड़ी बारिश कम हुई है तो कुरियर बॉय पता नहीं कहाँ से आ गया। तो पूजा कह रही नीचे कुरियर बॉय आया हुआ है, तो
तो 3-4 दिनों से ऐसा रहा था ना, मेरे रेगुलरी कोरियर कुछ ना कुछ पार्सल आ रहे थे, तो अनुपम चिढ़ रहे थे मुझसे। तो यहाँ से अपनी शक्ल दिखा के अनुपम बोल रहे हैं भाई मुझे दे दे कोरियर, तो बेचारा भी देख रहा है कौन पागल बोल रहा है मुझे। तो आज ना हम तीनों ही पागल हुए पड़े हैं और देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। ये देखो पतंग ऐसे कौन उड़ाता है, ऐसे लटाई पकड़ी जाती है, ऐसे ऐसे उड़ाता है, ऐसे ना ऐसे 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 कौन करता है। अनुपम अभी बता रहे पतंग उड़ाने जा रहा हूँ मैं। भाइयों मैं जवान हो रहा हूँ, जवान पता कैसे? हाँ, मेरे कैसे? पास, मेरे बालकनी में दो पौधे हैं, एक एलोवेरा और एक तुलसी, इन दोनों का मिश्रण है। ये अंदर रात छुपा हुआ है व्हाइट बालों का, देख रहे हैं आप? ये तो डुप्लीकेट, नॉट डुप्लीकेट, दिस रियल। कितने घने हैं देख रहे हो, कितने घने हैं, लाइक शाहरुख खान। शट अप, शाहरुख खान ऐसे करके रखता था ना, पता नहीं कौन से स्टाइल करते हुए ऐसे। बेटा बारिश हो गए, सारे कलर धुल गए हैं, रियली दिखेगी सब कुछ। काश इंसानों के दिल भी धुल जाते, गंदे दिल बारिश के पानी से, काले दिल। सबसे पहले तुम दोनों बहनों का धुलना चाहिए, तुम लोगों का तो काला नहीं। वी बोथ आर प्योर, वी बोथ आर प्योर, सही शुद्ध कच्चे काइंड पर्सन तुम लोग है ना पूजा, कच्चे गाने की प्योर ऑयल। कच्ची घानी बोलते, घाने नहीं, सारी हिंदी ये बंगाली ना बेकार बोलते। हनुमान जी को बारिश में किसने खड़ा कर दिया? हनुमान जी नहीं है, उसको बोलते हैं पताका। वेट गाइस, झंडा होता है ना, हनुमान जी बने होते हैं, अभी दिखाती हूँ। हनुमान जी खड़े हैं ना बारिश में। बोलो बजरंग बली की जय। डोर बेल बजाए, कोई आ रहा है लगता है, आ रहा है। कौन है? पापा आ गए, पापा आ गए हैं, उधर ही बोलते करने को, किचन में। पापा जाओ किचन में हैंड वॉश कर लो, ये ले लो। क्या हो गया, गमों का तूफान टूट गया आप पे? मेरे पापा में चले गए ना, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मैं बहुत बहुत दुखी हूँ आज, बहुत दुखी हूँ। बट खाना पीना नहीं छोड़ा है, सब कुछ खा रहा हूँ, नॉर्मल हूँ, गाने सुन रहा हूँ, फोन पे लगा हुआ हूँ, मस्ती मजाक कर रहा हूँ। जैसा कि वीडियो में आपने देखा अभी थोड़े देर पहले, कि सबसे ज्यादा हंस कौन रहा था, अनुपम। और अभी दुखी हो गया सडनली, गिर गेट। बीच बीच में थोड़ा सा दुखी आ रही भी बनना चाहिए ना? नहीं, मैं आई एम जस्ट जोकिंग, दुखी तो होता है बंदा, वो हो रहे हैं ऑब्वियसली, बट ठीक है, आ जाएंगे फिर से, आ जाएंगे एक डेढ़ महीने बाद फिर से, आ जाएंगे और फिर से हम मुझे करेंगे। लुक एट हिम, अभी ये बंदा दुखी था क्या? तुमने बोला आएंगे दोबारा, तो मैंने एंजॉय कर लिया, पैर दबाएंगे पैर। पापा जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी रिलैक्स होके आप लोगों से बात कैसे कर रही हूँ, क्योंकि किट्टू सो रही है, किट्टू द ग्रेट सो रही है, किट्टू सो रही है, फिर तहलका मच जाएगा, तूफान आ जाएगा। फिर हम उसी को दिखाते हैं, खुद को नहीं दिखाते इस वीडियो में। मैं हमेशा कैमरे के पीछे होती हूँ, आप लोग को दिखती नहीं हूँ, क्योंकि शूट तो मैं ही कर रही होती हूँ। जब किट्टू मैडम नहीं होती हैं तो हमें मौका मिलता है आप लोगों से बात करने का। Handsome and hunky in the city, girls beware. आप लोगों को अभी आवाज आ रही होगी ना, बारिश हो रही है ना, बहुत अच्छी। टिप टिप बरसा पानी, बस सिंगर है। तो बारिश जब हो रही है और ये गाने गा रहे हैं, तो इनका एक और फर्ज बनता है कि बारिश में ना पकोड़े खाने चाहिए और चाय पीना चाहिए। तो हो जाए अनुपम जी, कोरोना है ना, मना है अभी तेल तला हुआ चीजें कम खाने के लिए और चाय से दूर रहने के लिए। नो नो नो, गरम गरम चीजें खाने के लिए, गरम गरम और गरम गरम हॉट चाय पीने के लिए। गरम गरम का मतलब है आप गरम पानी पी सकते हो, नमक डाल। शट अप, जल्दी से जाओ चाय बना के लाओ। मुझे आता नहीं, मेरा उंगली टूट गया है, तुमने मार के तोड़ दिया ना, आज सुबह इसने एक लात मारा उंगली में, उंगली मेरा टूट गया। फिर से झूठ। मैं झूठ नहीं बोलता। दिखता है वो आंखों में, मुझे झूठ से नफरत है। दिखता है, दिखता है, मैं सच का पुजारी हूं, मैं सिर्फ सच बोलता हूं, सिर्फ सच बोलता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जो लोग झूठ बोलते हैं उसका मुंह काला, जो है गोल वाला। नहीं मेरे से नहीं होगा, तुम बनाओ तो। नहीं नहीं मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं तो नहीं बना पाऊंगा, मैं तो नहीं बना पाऊंगा, इतने प्यार से बोला मैंने। अच्छा बना देता हूँ, इतने प्यार से बोला, आज तो मिलेगा।
चाय चाय थोड़ी कड़क होनी चाहिए। चलो देखते हैं क्या करते हैं अनुपम जी। मौसम तो सचमुच बहुत अच्छा हो रहा है यार। छत पे जाने का सोच रही थी मैं, बट एक्चुअली बारिश ना बहुत तेज हो रही है। बारिश थोड़ी सी कम होती है तो फिर जाते हैं हम। अच्छी चाय बनाना ओके अच्छी। कोई ना अपने काम में डिस्टर्ब करना मेरे को पसंद नहीं। खुशी खुशी बनाओ, गम में क्यों बना रहे हो चाय पापा। वाह वाह वाह, हाय बोलो। हाय पापा, ये क्या कर रहे हो आप रिमोट से? ऑब्वियसली टीवी देख रहे होगे। वाह, तो पापा जैसा कि आपके दोस्त चले गए हैं तो आपको कैसा लग रहा है अभी? अच्छा नहीं लग रहा है। क्या मैसेज देना चाहोगे आप उनको? अच्छे रहे, बढ़िया से रहे और क्या। तो दोस्त थे आपको तो आपको मजा आता होगा? अच्छा लगता था, बढ़िया लगता था। अब तो पापा कल से आना भी कम हो गए हैं, कम आते हैं अब, नहीं तो पूरा पूरा दिन यही पे रहते। नहीं, कल भी आए थे, आज भी अभी भी आए। कल एक बार आए थे आप, याद होगा आपको तो, और आज अभी आए हो। तो गाइस, अनुपम के पापा चले गए हैं ना, तो पापा जो है अब ऊपर थोड़ा कम आने लग गए हैं, क्योंकि वो उनके फ्रेंड थे, समधी जी थे, समधन थी, तो आते थे। और देखो बेटी से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, बस थोड़ा बहुत खाना देने आते हैं, हाल चाल पूछने आ जाते हैं, जबकि लॉकडाउन है। कौन है ये बंदा? बन गई क्या चाय? अरे यार अभी भी नहीं बनी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देख लीजिए ना, हो रही है बारिश और बालकनी का व्यू बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे बैठ के। और हम वेट कर रहे हैं कि कब चाय आए और मैं चाय पीऊं। पकौड़ा तो नहीं मिलने वाला, तो चाय मिल जाए। पूजा चाय व्हाट दीपिका? तो लोग पता नहीं गाइस सोशल मीडिया पे क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि सभी वेले बैठे हैं घर में मेरी तरफ। वैसे बोरिंग ही लगता है, बोरिंग। पूरी रात जगती हूँ, आधे दिन तक सोती हूँ, उसके बाद सोने के टाइम में, रेस्ट करने के टाइम में, जैसे कि 3-4 बजे देख लीजिए खाना बनाती हूँ, तो सारा काम उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो सभी शायद उल्टी पुल्टी चीज़ें हरकतें कर रहे हैं, मेरी तरह। कि देखो कितनी छोटी छोटी छुंदर छुंदर डोगू है ना। अच्छे किट्टू को दिखाते हैं तो उसको बहुत मज़ा आता है। और पूजा भी पता नहीं क्या करती रहती है, यही सब देखती रहती है। हमारा जैकू अभी होता तो इन्जॉय करते हम और भी ज़्यादा, बट अनफॉर्चुनेटली वो चला गया आज। मोर देन 1 मंथ हो गया उसको, ऑब्वियसली बुरा लगता है, याद आती है उसकी, बट स्टिल क्या कर सकते हैं। इंसानों के बस में नहीं होता, जब जाना होता तो चले जाते हैं, तो वो तो बेचारा एक जानवर था, बट इंसानों से बहुत अच्छा। बट अब मैं डॉग नहीं पालूंगी। ये लोग कभी कभी सोच भी लेते हैं कि डॉग ले आते हैं, मैं डॉग घर में नहीं रखूंगी। मैं नीचे ही सेवा करती हूँ इन डॉग की, और मेरी मम्मी भी करती हैं। 6-7 गले के डॉग है जिनको हम लोग खाना डालते हैं। और भी डॉग आएंगे, पहले 2 थे, पहले 1 था, फिर 2 हुए, फिर 5-6 इकट्ठे आ गए, मतलब 6-7-8 भी हो जाते ना भोजन, इतने ही हैं अभी। धीरे धीरे उनको रोज़ सुबह शाम खाना डालते हैं, दूध डालते हैं, पानी डालते हैं। तो आप अपने आसपास के जानवरों की सेवा कर लो, स्ट्रे डॉग्स की, वही बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि आप घर में ही पाल के अपना वो करो, तो आप लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड हो जाओगे एक डॉग के लिए, और ना वो आपके दिल से बहुत अटैच हो जाता है। लेकिन जब वो जाता है ना तो बहुत रुला के जाता है, और उसकी तगड़ी वाली याद आती है गाइस। तो मैं वीक नहीं होना चाहती उस बारे में, सोचना भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि उसकी तरह बहुत सारे डॉग है गली में, तो वो खुश रहे, और उनके लिए हम थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं करें। मैं शो ऑफ नहीं कर रही, बस बता रही हूँ क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है। आप भी अपने गली में आसपास डॉग्स देखते हैं, जैसा कि आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है ना, तो उनको खाना देने वाले कम हैं, और वैसे भी कम होते हैं गाइस, सब कोई नहीं देखता डॉग को। उनको खाना डाले, कुछ कुछ रोटी बिस्किट पानी तो डाल ही दे गाइस, तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी ये, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें। आइए पधारिए। तो देखते हैं अनुपम जी ने कैसे चल देना है। पूजा चाय अच्छी बनी है, बना के दी किसी ने तो क्या बुराई करनी, बट थोड़ी मीठी।
मीठी है गाइस, मैं ज्यादा मीठी चाय नहीं पीती, कड़क पीती हूँ। दूध कम पत्ती ज्यादा, मीठी है बट मैं बोलूंगी नहीं, बाद में बोल दूंगी क्योंकि मैं मुंह पे बोलती हूँ। तो जी रात हो गई है और रात के बज रहे हैं 11 और मैंने प्लेन दाल बनाई है, ये देखिए, डबल तड़का के साथ मूंग दाल, क्योंकि सब्जी ख़त्म हो गई थी हमारे घर में और लॉकडाउन चल रहा है। और ये बनाई है सैलेड और इसमें नींबू डाल दिया है, शायद अनुपम जी ये नहीं खाएंगे, सब्जियां आज आई नहीं बारिश की वजह से तो यही बनाना पड़ा है। तो गाइस दाल बिल्कुल रेडी है और रोटी भी रेडी है, तो अब सैलेड के साथ हम लोग डिनर करने वाले हैं। किटू गई है मम्मी के पास क्योंकि बहुत तंग कर रही थी, वो दाल भी मुझे बनाने नहीं देती तो उसको भेजना पड़ा मुझे, और मेरे सामने कुछ ज़्यादा ही बदमाशी करती है गाइस। पूजा और मम्मी से तो संभल भी जाती है, मेरे से वो संभलती नहीं है, उसको जब जो जीत करना होता है, जो लेना होता है लेती है, और मेरे से तो फिर भी संभल जाती है। अनुपम को देख के तो बिल्कुल ही बहुत ज़िद करती है। तो अब पहले हम लोग डिनर कर लेते हैं, फिर किट्टू को बुलाएंगे गाइस। ब्लॉग को करती हूँ एंड, गुड नाइट, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।